Good morning, all of you. Again, we are having a new lesson from class 9th, the English lesson, The Bond of Love. Love. Love toward the kids, toward the parents, toward the environment, nature, and enemy. So this lesson will tell us ki if we will do the love someone, that can be understandable by everyone. Doesn't matter that is a plant or animal. ये कहानी एक एनिमल की है, एक भालू की है, जो क्या करता है, इंसानों के बीच रहता है और उनकी लव और अफेक्शन को समझ जाता है। तो आइए, वी विल स्टार्ट द लेसन हियर, द बॉन्ड ऑफ लव। तो हमने इस लेसन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लगभग 6 पार्ट्स में या पॉइंट्स में। अब उसको ध्यान से समझना और देखने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहले, हाउ ब्रूनो वाज फाउंड, ब्रूनो कैसे मिला। राइटर कहता है कि एक बार वह कहीं से आ रहा था, मैसूर से, मैसूर में रहता था, कर्नाटका में पड़ता है मैसूर। तो जब वो गन्ने के खेतों के बीच से आ रहे थे, तो बहुत सारे जंगली सूअर, द वाइल्ड पिग, दे वर रोमिंग हियर एंड देयर एंड दे वर शूटिंग हिम। वो लोग क्या कर रहे थे, उसको शूट कर रहे थे, भगा रहे। तभी उनके सामने एक बड़ा सा भालू आ गया। सो राइटर वॉज नॉट वॉन्टिंग टू शूट दैट बियर, बट उसके फ्रेंड ने उसको शूट कर दिया। भालू बड़ी दूर तक उछला, उसके बाद नीचे गिर गया और बगल से एक छोटा सा बच्चा भालू का निकल के गन्ने के खेतों में भाग गया। राइटर उसके पीछे दौड़ा, थोड़ी देर बाद उसने उसको पकड़ा। वो अपने नाखूनों और मुंह से उसको काटने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ के लाया। एंड दैट वॉज अ स्लोथ बियर, एक वो स्लोथ भालू था। दोस्तों ने बोला, इसको छोड़ दो, क्या करोगे ले जाके। तो उसने बोला कि मेरी वाइफ को बड़े अच्छे लगते हैं जानवर, सो आई वुड कीप इट। और वो उसको लेके अपनी वाइफ को गया, वाइफ को दिया और उसकी वाइफ बहुत खुश हुई। उसने भालू को पालना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसको बोतल से दूध पिलाया गया, फिर कुछ ही दिनों बाद वो सब्जियाँ फल वल बहुत कुछ खाने लगा। अब वो भालू जो था उस घर का मेम्बर बन गया और हिज वाइफ गेव अ नेम टू हर That बियर ब्रूनो। प्यार से उसको ब्रूनो कहना शुरू कर दिया लोगों ने। वहां पे घर के अंदर दो कुत्ते थे, बड़े बड़े जो एस्लिन डॉग होते वो थे। भालू ने उनके साथ दोस्ती कर ली और काम करने वालों के दो बच्चे थे, उन सब लोगों के साथ भालू दिन भर खेलता था, सोता था, खाता था, पीता था और इस तरीके से पूरी टाइम तक भालू वहां पे रहता था। फिर धीरे 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 भालू बड़ा हो गया और बड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं, कुछ ऐसा हो गया, मतलब बड़े आराम से मूव कर सकता था, छोटा ही इजिली चल फिर सकता था। लोगों ने कहा कि इसको घर से दूर रखो, इसको वापस भेज दो, अभी बड़ा हो गया, कभी भी हार्म कर सकता है। पर राइटर्स वाइफ डिडंट केयर दैट। इसी बीच द राइटर वॉज इन द लाइब्रेरी एंड ही फाउंड दैट देयर आर सो मैनी रेट्स। For the killing of rat, he put some chemical there, that was the barium carbonate. दो accident होते हैं भालू के साथ। वो जो barium carbonate होता है, वो चूहे मारने की दवा थी, उसने राइटर ने क्या किया, library में रख दिया चूहे को मारने के लिए। इधर से ब्रूनो गया और उसने उसको खा लिया। खाने के बाद वो पैरालाइज हो गया, गिर गया, बट ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। बट जैसे तैसे अपने आप को घसीट के वाइफ तक ले आया, मतलब राइटर के वाइफ तक आया। And when she looked her, she became very sad. उसके बाद writer आता है, वो देखता है, तो समझ जाता है इसको क्या हुआ है। तो उसके बाद उसका treatment करते हैं, injection लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कुछ time बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर एक incident इंजन ऑयल का होता है, कि घरों के अंदर जो दीमक होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इंजन ऑयल आए थे कि भाई इसको लगा देंगे तो दीमक क्या होगा, भाग जाएगा। पर वो फिर से वही, वो जाता है पूरा का पूरा 1 गैलन पी जाता है, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। तब तक भालू और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अब उसको घर में रखना ठीक नहीं था। अब उसको चैन में बांध कर रखा जाता था ताकि वो किसी को अटैक या हार्म ना कर सके। कुछ लोगों ने सलाह दिया, यू शुड चेंज हिम इन टू द जू। तो राइटर ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए वाइफ को कन्विंस करके जू वाले को लेटर लिखा और उन्होंने लेटर एक्सेप्ट कर लिया कि हमें भालू दे दो। तो वहाँ से एक मैसूर से एक बहुत बड़ा
पिंजरा भेजा गया और उस केज के अंदर डालकर ब्रूनो को वापस भेज दिया गया। अब ब्रूनो कहाँ था? चिड़ियाघर जू में था। हियर ब्रूनो वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड एंड द राइटर्स वाइफ वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, शी वॉज नॉट लिविंग विदाउट द ब्रूनो। वो लेटर लिखा करती थी ब्रूनो को कि ब्रूनो कैसा है, रिप्लाई आता था ही इज वेरी गुड बट ही इज नॉट टेकिंग एनीथिंग, वो कुछ खा नहीं रहा। कुछ टाइम पीरियड बाद राइटर के दोस्त जू जाते हैं देखने के लिए, जब वापस आते हैं तो ब्रूनो के बारे में पता चलता है कि ब्रूनो हाँ ठीक तो है बट बहुत कमज़ोर हो गया है, उदास रहता है, पिंजरे में ऐसे बैठा रहता है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। वो ब्रूनो जो कभी खेलता था लकड़ी को बंदूक बना के, गुड़िया बना के और अलग अलग एक्टिविटी किया करता था, एंटरटेन किया करता था घर वालों को, आज वो चुपचाप उदास बैठा है। उसके वाइफ को बड़ा दुख होता है, वो कहती है कि मुझे आप ले चलो, किसको? राइटर को। इफ़ यू विल नॉट गो विथ मी आई विल गो बाई बस, आइदर यू कैन गो देयर फाइंड आउट गिव द सोल्यूशन और आई विल गो विथ यू, ठीक है भाई कार। तो राइटर कहते हैं ठीक है मैं आपको ले चलता हूँ। वो कार से लेकर उसको कहाँ जाते हैं? मैंगलोर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके क्या होता है? मैंगलोर नहीं, मैसूर। वहाँ पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको पहचान नहीं पाएगा, आपको भूल गया होगा। जैसे ही थोड़ी दूर भी होती पिंजरे से, वो वैसे ही भालू जो होता है उसको देख के खुश हो जाता है, उछलने लगता है पिंजरे के अंदर। सब लोग देख कर आश्चर्यचकित करते हैं कि भालू उदास था, क्या हो गया इसको। वहाँ पर जाती है, 3 घंटे लगातार वहाँ बैठी रहती है, बहुत सारे कभी टॉफ़ी कभी जूस कभी कॉफ़ी बहुत सारी चीज़ें उसको खिलाती है और भालू बहुत खुश होता है। फिर क्या होता है, टाइम आ जाता है क्लोजिंग का, कभी जू के क्यूरेटर बोलते हैं कि नाउ टाइम इज फिनिश एंड यू हैव टू गो टू नाउ। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा भालू वापस मिल सकता है? वो कहते हैं कि नाउ इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको इसको लेना है तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा और बेंगलोर जाके क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद ही आप इसको दोबारा अपने पास ले सकते हैं। वो वहाँ से सीधे मैसूर से बेंगलोर जाती हैं, वहाँ अप्लाई करती हैं और जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड व्यक्ति होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते ठीक है ले जाओ। वापस फिर मैसूर आते हैं, वहाँ पे कार के ऊपर एक छोटा सा पिंजरा रखा जाता है, उसके अंदर भालू को बांधा जाता है और वापस वो अपने घर आ जाते हैं। अब भालू दोबारा क्या हो गया? बैक टू होम। वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, पेड़ वेड़ लगाए जाते हैं, झूला लगाया जाता है और घर के अंदर ब्रूनो को सेटअप कर दिया जाता है रहने के लिए। बट सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो उसकी वाइफ ब्रूनो तक पहुँचती कैसे। उसकी वाइफ को पहुँचने के लिए क्या होता है, एक मैंगो ट्री पे झूला टाइप का चीज़ लगाया जाता है, उस पर बैठते हैं, धक्का मारते हैं, देन शी वेंट टू, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर कुछ टाइम पीरियड तक वो रह सकती है और ब्रूनो भी वहाँ पर बड़ा खुशी खुशी अपनी लाइफ को जीता। तो ये कहानी जो एक मैसेज देती है कि लव और अफेक्शन किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो हमें भी इस कहानी के तरीके से जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको एक इंसान के रूप में या ह्यूमन बीइंग के रूप में या ह्यूमनिटी के नाम पर उनके साथ अच्छा बिहेव करते रहना चाहिए, ठीक है।